अस्सलाम वालेकुम, इस व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैर से होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं घूमने और आज संडे, ऐसे ही रेनू रेनू अपने शूज़ उठा के ले आई है और रेनू मैडम कह रही है कि इनको शूज़ पहनाए। क्या हुआ बेटा? ये शूज़ है ना? अच्छा नीचे रखे, मैं पहनाता हूँ। इधर देखें, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं रेनू? फ्रेंड देखने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जू। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 5:05 है। तो अभी फटाफट चलते हैं, जाना कुछ सूचना आते हैं, नीचे आते हैं, गाड़ी का कपड़ा उतारते हैं, थोड़ा कपड़ा मारते हैं गाड़ी को और फिर हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जू। क्या कह रही हैं? आप भी जाएंगी? कहाँ जाएंगी? इधर तो आए। कहाँ जाएंगी? बाहर जाएंगी। हनी फ्रेंड देखने पत्नी, अब जू में एलिफेंट है या नहीं है, खैर पता भी। निकलते हैं यहाँ से, नीचे कपड़ा उतारते हैं गाड़ी का, कपड़ा मारते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाड़ी का टॉप कपड़ा उतारते हैं, फुल मिट्टी मिट्टी हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से चला ही नहीं है, तो इसलिए जो है ना मिट्टी मिट्टी हो गया। उसका फाउंडेशन भी टूटा हुआ है एक, पता नहीं अब कौन सा फाउंडेशन टूटा हुआ, वो भी काम करवाना है। अभी इसका कपड़ा उतारते हैं पहले। कपड़ा उतार गया गाड़ी का है? बाबा ने कपड़ा मार भी दिया, खराब हो गई गाड़ी, नींद आ रही है। अभी तो सो के उठी थी आप। ओए चले, करो मुझे ओए, एक उम्मा करो, सही से करो, सही से। पहले भी कौन बोलेगा? आई बाबा, आई लव यू टू मेरा बेटा। चले दादू तो आए नीचे, दादू का आवाज़ दादू बोलो, आ जाए फिर टाइम कम रह जाएगा। तो दादू आए फिर चलते हैं, ठीक है? A few moments later. तो भाई रेनू, रेनू कहाँ है हम? एलिफेंट देखने? पता नहीं यहाँ एलिफेंट है या नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है। पता नहीं रेनू नगर जो है वहाँ पर है। अच्छा बेटा चलो, तो भाई यहाँ पर तो एलिफेंट था नहीं, तो हम थोड़ा आगे गए, वहाँ पर जो है खाली जगह थी, जैसे कि ये बिल्कुल खाली था, तो हम तो मायूस हो गए। और ज़ैनब देखने भी एलिफेंट गई थी, तो हम थोड़ा आगे गए तो हमें जो है वो एलिफेंट दिख गया जो कि खाना खा रहा था। ज़ैनब इसको देख के इतना खुश हुई और इतनी पब्लिक आई हुई थी माशाल्लाह से। और अच्छा, हम बहुत टाइम पहले यहाँ पर गए थे तो बिल्कुल भी जिस तरह अभी बना हुआ वैसा नहीं बना हुआ था पहले। अभी काफ़ी जो है काम शाम हुआ हुआ ज़ू में और काफ़ी अच्छे है, मतलब एनिमल्स थे, कम थे लेकिन मतलब सही थे, हेल्थ वेल्थ उनकी सही थी। और ये एलिफेंट जो है अभी अभी तो जैसे खाना खा रहा है, जब हम वापसी आ रहे थे तो ये थोड़ा सा ना गुस्से में आया हुआ था क्योंकि अंधेरा हो गया था और ये अंदर जाने का कर रहा था घर के अंदर, क्योंकि पहले जो आपको दिखाया ना वो घर था इसका, मतलब वहाँ पर ये रात में वहाँ होता है और दिन में यहाँ होता है। तो देखें इसकी आइज़, देखें इसके दांत नहीं थे, शायद दांत तोड़े हुए थे या पता नहीं क्या था। तो देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा साइज़ का हाथी है। ये हिरन थी और काफ़ी क्वांटिटी में थी, मतलब काफ़ी सारी थी और फुल जो है ना एंजॉयमेंट कर रही थी माशाल्लाह से। देखें कैसे खा पी रही हैं। और 12 सिंघा हिरन थी ये, तो काफ़ी मतलब इनको बड़ी जगह दी हुई थी और काफ़ी तादाद के अंदर थी, कुछ इस तरफ थी कुछ और आगे घूम रही थी, तो ये भी मतलब ना काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ था माशाल्लाह से। तो भाई ये वाइड मोर थे, मेरे ख्याल में 2 या 3 थे इसमें, और एक लेफ्ट हैंड पे था उसके अंदर जो है एक कलरफुल मोर था जो वो बैठा हुआ है, और दोनों ही जो है ना बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा मसला एक ये आ रहा था कि एक ग्रिल पहले थी और बाद में एक ग्रिल थी, और ग्रिल इतनी मोटी थी कि साफ जो है ना वो आवाज़, मतलब एक देखने का जो मज़ा होता है ना वो नहीं आ रहा था इन चीज़ों को।
तो या तो ग्रिल देखें, डबल ग्रिल है, आप देख सकते हैं वीडियो में डबल ग्रिल है। खैर वो मौजू हमारा नहीं है, हमारा मौजू है ये कि दोनों जो है ना बहुत ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत है, और एक अंकल जो है वो इनको जो है खाना दे रहे थे। देखें कैसे जो है मोर को ब्रेड तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, और मोर जो है ना वो ब्रेड खा रहा है मज़े से, मतलब VIP तरीके से जो है इंजॉयमेंट कर रहा है। तो भाई ये मंकी के इतने सारे बच्चे थे और उसके ऊपर ऊपर चढ़े हुए थे, और बाकी ये कि कुछ नीचे अम्मा अब्बा थे मंकी के, ये बैठे हुए फुल टायर के ऊपर झूला झूल रहे थे, बच्चे ऊपर इंजॉय कर रहे हैं, अम्मा अब्बा नीचे इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई ये टाइगर ऐसा छुप के बैठा हुआ था कि नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला शायद ये रेख खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये देखें कैसे ऐसे लग रहा है डमी रखी हुई टाइगर की, लेकिन ये टाइगर मूव कर रहा है। अभी देखिएगा इसका चेहरा जो है ना वो मूव करेगा, ये मूव कर रहा है, आइस चपक रहा है, तो ऐसा रोपदार लग रहा था, आराम से ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, अपनी हाइट पकड़ के बैठा हुआ था, और एक अलग ही जो है ना इसका रोप था। देखिए कैसे छुप के बैठा हुआ, ऐसे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि इस रैक के अंदर कुछ है, लेकिन ये कि ये पौधों के पीछे अंदर ग्रिल के अंदर बैठा हुआ है। देखिए कैसे मैं जूम कर रहा हूँ ना तो जाके दिख रहा है, कुछ लोगों तो दिख ही नहीं रहा था ये। तो भाई ये लॉइन जो है ना ये वो है जो शारे फैशन पे भाग गया था गाड़ी से उतर के, बहुत किस्से कहानी हुई थी जो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये यहाँ पर ऐसा बिनोट हुआ था, इसका दिमाग गुस्से में लग रहा था, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, और इतनी तेज़ तेज़ चक्कर लगा रहा था कि जिसके कोई हद नहीं। खैर थक हार के जो है ना ये फिर ऊपर चढ़ के बैठ गया, अभी ऊपर चढ़ के बैठ गया वहाँ पर, और हमसे नाराज़ होकर उस तरफ मुँह करके आराम से रेस्ट करने लग गया। फिर जो है ये बनमानस जो है ये बिल्कुल भाई इंसानों वाली हरकतें कर रहा था, दोनों हाथों में केला पकड़ा हुआ, अच्छा एक बंदा खड़ा था बराबर में, वो उसको केला दे रहा है, ये उससे ना कैच कर रहा है, मतलब हाथ बाहर निकाल के जैसे इंसान कैच करते हैं वैसे बिल्कुल पकड़ रहा है, और एक हाथ में रखा हुआ है, दूसरे हाथ से खा रहा है, और एक हाथ के अंदर इसके केला है। और मज़े की बात यह है कि छिलका नहीं खा रहा, सिर्फ केले को खा रहा है, छिलका उतार के फेंक रहा है, देखें सिर्फ केला खा रहा है और छिलके को फेंक रहा है। अभी ये ख़त्म होगा तो दूसरे हाथ में जो है उसको पकड़ेगा फ़ौरन, उसको भी इसी तरह खाएगा आराम से, वो पकड़ा हुआ देखें कैसे मज़े से पकड़ा हुआ उसने, और ये वो खा लिया, अब इसको छीलेगा, इसके अंदर से जो है केला खाएगा और इसके छिलकों को भी फेंक देगा। इतना दिमाग है उसके अंदर, बिल्कुल इंसानों वाली हरकतें कर रहा था उस टाइम पर ये। इसको देखें पहले उल्टा के लेटा हुआ था, हमें देख के नाराज़ हुआ और अंदर जाके छुप गया, बोले जाओ अल्लाह हाफिज़ टाटा भाई। तो यार आपने मेरा दिमाग। तो भाई हम थोड़ा आगे गए, हमें दिखी दो अदद फ्लेमिंगो, बाकी पता नहीं थी या नहीं थी, हमें तो नहीं दिखी, भाई हमें दो दिखी, और फुल जो है ना ये चिल मोड के अंदर घूम रही थी, इंजॉयमेंट इनका लगा हुआ था। फिर आ गए ये टर्टल्स और ये यहाँ पर घूम रहे हैं, और ये तो ऐसे लग रहा था कि बस अभी जाने वाले हैं, इतने रिंग रिंग के चल रहे थे, लेकिन वैसे चलते तो ये रिंग रिंग के हैं, लेकिन इनकी हालत तो देखें क्या हो रही थी, गंदे चंदे और समझ से बाहर था कैसे हो रहे थे ये। इतनी सारी लग से इधर लोग खाना खिला रहे हैं इनको, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए जैनब जैनब मज़ा आ रहा है मेरे बेटे को, चलाएं इधर आए इधर आए, ये इतनी सारी डक्स हैं, वाह ब्यूटीफुल जैनू, इधर देखो जैनब तो डर रही है यार इन डक्स को देख के, पता नहीं क्यों डर रही है। Thank you.
तो भाई ये है मुमताज़ बेगम, जिनका धड़ जो है वो मेरे ख्याल में जानवर का होता है और सर इंसान का होता है, ऐसा हमने देखा भी है और सुना भी है, पता नहीं असली में होता है या नहीं ये नहीं पता। फिर हम थोड़ा आगे गए तो आ गया मंकी, जो ऊपर चढ़ा हुआ था, बिल्कुल ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, नीचे आने के लिए रेडी नहीं था। हमने उसको इग्नोर किया और हम थोड़ा आगे बढ़े जहाँ पर बच्चों की जंपिंग और ये झूले वगैरह थे, तो हमने उनको भी इग्नोर किया और हम थोड़ा और आगे बढ़े। तो भाई ये अफ्रीकन लॉइन था, अब ये सो रहा था या टून था समझ में नहीं आया मुझे। देखिए ना लिखा हुआ अफ्रीकन लॉइन और पता नहीं क्या क्या इसकी डिटेल लिखी हुई है, और ये बिल्कुल मदहोश गहरी नींद में था या बीमार था अल्लाह जाने। तो भाई ये फिर बेयर हमें दिखा और ये दिखा ऐसे कि बस नहीं देखने के बराबर था, मतलब बिल्कुल जो है हाफ रहा था, पर नहीं प्यास लगी थी। माशा बेर है, माशा तो नहीं है, छोड़ देना चाहिए। माशा ये रही, अब यार वो रहा। एलिफेंट देखने आए, एलिफेंट देखा आपने, कैसा था? ठीक था बस, मजा नहीं आया आपको? इतना मजा आया, तीन चार बजे मज़ा आया, ज़्यादा मज़ा नहीं आया? एलिफेंट देखा, लॉइन देखा, और क्या देखा? बैठे नहीं, क्या क्या देखा मेरे बेटे ने? इधर तो देखो मुझे, और क्या क्या मज़ा आया आपको? कितना मज़ा आया? नहीं तो अभी कुछ खाना है मेरे बेटे ने? क्या खाना है? हाँ नहीं खाना, क्यों? खा लो यार, अभी मैं जैनब और हमारी फैमिली आई हुई थी चिड़ियाघर, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं चिड़ियाघर, जो भी है जू कराची कह लो भाई, तो हम आए हुए थे, अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने और ये है कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते कुछ पता नहीं है। काफ़ी अच्छा मतलब जो है मेंटेन किया वक्त जू को, मज़ा आया काफ़ी। जैनब को पता नहीं मज़ा आया नहीं आया, अब जैनब बता नहीं रही है। जैनू बताए ना, इधर देखे ना, मज़ा आया? जैनू को मज़ा आया लेकिन जैनब थक गई है, तो मेरी गोद में चढ़ गई है और मेरा हाथ भी दुख रहा है और पाँव भी दुख रहा है, मगर अभी हम चलते हैं कुछ खाने, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, ठीक है? हाँ क्या पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक। तो अभी निकलते हैं गाड़ी की तरफ, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम जाएंगे घर, नहीं कुछ खाने पीने। कहाँ जाएंगे? कुछ खाने पीने जाएंगे, ठीक है? अभी आपको नीचे उतार दूँ? नहीं भाई, गोद में चढ़ना है, पाँव दुख रहे हैं। तो भाई जैनब के पाँव दुख रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं सीधा गाड़ी की तरफ, वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और फिर जहाँ आगे जाएंगे वो आपको बताते हैं हम अगली डेस्टिनेशन पर। तो भाई जैनब और जैनब के बाबा थक गए थे, तो हम बैठ के कर रहे हैं रेस्ट। जैनू ऐसा ही है, थक गई आप? अच्छा मुझे पकड़े टाइट से, भी चले अपन टाइट से, पकड़ो चले टाइट से पकड़ो ऐसे। अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, चले जैनू, पकड़ा हुआ है मैंने उसको, पीछे से भी पकड़ा हुआ है आगे से भी पकड़ा हुआ है। जैनब छुप गई, जैनब नहीं है, कहाँ है? ओए जैनू तो पीछे चुकी हुई है बंदरों की तरह, ऐसे तो बंदर चलते हैं पता है, ऐसे ना बंदर चढ़ते हैं बाबा की गोदों में। भाई जैनब और मैं जो है हम ऐसे चढ़े हुए, ऐसे चढ़े हुए, ऐसे ऐसे चढ़े हुए ना, ऐसे चढ़े हुए, मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है, 3-4 बजे मज़ा आ रहा है भाई। बस हो गई है, देखो यहाँ क्या है, वो क्या है जानू, पीछे पीछे क्या है, पीछे आपको नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा,
पीछे मुझे पकड़ो, गिर जाओगी आप। हाँ मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो टाइट से, ऐसे गला दब गया मेरा। कोई जानवर था। जनू पकड़ो मुझे भाई। हम आ गए हैं गाड़ी की पार्किंग पे और जैनब जो है ना अभी भी मेरे ऊपर गर्दन पकड़ के चढ़ी हुई हैं। जनू ओए गिर जाओगी, पकड़ो मुझे, गिर जाओगी, मैं बात नहीं करूँगा। जनू जो है अभी भी मुझे पकड़ के खड़ी हुई है और हमारी गाड़ी भी जो है वो ये खड़ी हुई है। अभी जैनू को नीचे उतारते हैं इधर, ऐसे उतरे नीचे, उतर गई, उतर गए मैडम। मज़ा आया, अच्छा देखे चली जाओ मेरी गोद में उतर कर आई है, कह रही मज़ा आया। अभी चलते हैं कुछ खाने और कहाँ जाते हैं अभी बताते हैं आपको। हम आए होट एंड रोल पे, यहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे। ये बंस रोड है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है इधर, बस ऊपर चलते हो फटाफट कुछ खाते हैं। चिकन पूरी खा दूँ, भूख लग रही थी, रुके यार भूख लग रही थी, चिकन पूरी खाने आए। तो भाई जैनब को भूख लग रही थी, अभी हम आए बंस रोड, यहाँ पर कुछ खाएंगे, देखते क्या मंगवाते हैं। और फिर जैनब मैडम को चिकन पूरी देंगे उसमें तो तोड़ के, क्योंकि जैनब चिकन पूरी खाती है। ऐसे ही है, ऐसा ही है। खाना आता है तो फिर देखते क्या ऑर्डर करते भाई। ये आइटम है इसके अंदर किस तरह से। भाई खाने में हमने मंगवाया प्लेटर जिसके अंदर टिक्का और ये सब आइटम है, और ये पराठे आ गए। खा पी कर आ गए हैं और जैनू ने ड्रेस भी चेंज कर लिया है ना। क्यों चेंज किया है? क्यों किया है? क्यों चेंज किया है भाई? जैनू ने ड्रेस भी चेंज कर लिया है। अब जैनब कह रही है कि मुझे सामने जाना है, वहाँ पर लाइटें जल रही हैं। वाह चलो सामने चलो, अभी हम सामने जा रहे हैं, वहाँ पर लाइटें ऑन हो रही है रबी अव्वल के लिए, तो हम वो दिखाते हैं जैनब को, ठीक है? चलो सामने लाइटें ऑन हो रही हैं, वो देखें आप जैसे जल्दी ना मल्टी कलर। अब जैनब को वो देखनी है। वाओ ब्यूटीफुल लाइटें देख ली आपने, वाओ अच्छी लग रही है। वैसे एक बात है, बताओ क्या बात है? आपको लाइट कलर्स याद हो गए? हाँ इधर देखो, मुझे देखो, कलर याद हो, याद होगा। चले गली में चले अपनी, हाँ चले। क्या बाइक नहीं है, पैदल आया हम। चलो उम्मा करो, एक जल्दी से उम्मा करो, फिर चले उम्मा करो जल्दी, बाबा का हाथ दुख रहा है। आई लव यू कौन बोलेगा? तो भाई रबी अव्वल की लाइटें हमारी गली में लग गई और जैनब फुल खुश है, रोशनी हो गई ना लाइट, लाइट खुश है। लाइट्स जो है ना हमारी गली में माशाल्लाह से लाइट्स लग गई है। ओ देखिए आप माशाल्लाह। जैनू चुचू भाई,
चुचू भाई कहाँ है? चुचू भाई कहाँ है? पेटी देखो कहाँ चढ़ी हुई है। जैनब को चीज़ दिला के हम आ गए घर पे और काफ़ी थक गया हूँ, सर में दर्द हो रहा अच्छा खासा। तो बस इस व्लॉग को हम यहाँ एंड कर, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़।